प्रभु ईसा मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया उपवास काल के पांचवा इतवार में प्रवेश कर चुकी है। इस उपवास काल विशेष रूप से प्रभु के साथ रहने का प्रायश्चित और पुण्य कर्मों द्वारा अपने जिंदगी को एक नया दिशा देने का अवसर है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार में प्रभु ईसा मसीह इस प्रकार कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। यह संजीवन जल की प्रतिज्ञा शिविर पर अथवा फीस्ट ऑफ टबरनाकल के अवसर पर प्रभु देता है, जो यहूदियों के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार था। यह पर्व यहूदियों का इतिहास से जुड़ा है। जब यहूदी लोग मरुभूमि में मिस्र से बचकर निकल रहे थे तो उन्हें प्यास लगी और ईश्वर ने पत्थर से पानी निकलवाकर उनकी प्यास बुझाई। यहूदियों का एक विश्वास था कि जब मसीह प्रकट होंगे तब वेदी में से संजीवन जल का स्रोत फूट निकलेगा। प्रभु ईसा मसीह शिविर पर्व के अंतिम दिन, जब सारे लोग चुपचाप पुरोहित को वेदी पर पानी डालते हुए देख रहे थे, ऊंची आवाज में बोल उठी, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। जो प्यासा है वह मेरे पास आए, एक तो एक आमंत्रण है। अपनी आंतरिक रूपी प्यास के बारे में हमें अवगत कराने का एक बुलाहट है। दुनिया हमें खुशी और आनंद प्रदान करती है, लेकिन इस आनंद हमें परिपूर्णता तक नहीं ले जा सकता है। पूरी तरह संतुष्ट नहीं रह पाता है, हम प्यासे रहते हैं, हम कोचते रहते हैं, यह ना जानकर कि हमें वकाई में क्या चाहिए। जाने और अनजाने से हमारी आत्मा ईश्वर की प्यासी है। हमारी हर एक चाहत, हमारा हर एक नया कदम उस ईश्वर की पाने की ताक में रहता है। हम ईश्वर के प्रेम पाने के लिए ही बने हैं। इसलिए प्रभु आज हम हर एक व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम प्यासा हो तो मेरे पास आओ। इस उपवास काल में हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मसीह अपने संजीवन जल द्वारा हमें अनुग्रहित करें। इस विनती के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।